हेलो स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 22 अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। अर्थ डे जो है वो हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे इवेंट वर्ल्ड वाइड टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड अप्रिशिएशन ऑफ द अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट। इस दिन को पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर लोगों को चेताया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि धरती के नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करा जाए, सुरक्षित रखा जाए। नाउ अर्थ डे इज कोऑर्डिनेट ग्लोबली बाय द अर्थ डे नेटवर्क। आज अर्थ डे को ग्लोबली किस नाम से जानते हैं, अर्थ डे नेटवर्क से। इट इज सेलिब्रेटेड इन मोर देन 175 कंट्रीज एवरी ईयर और ये 175 से भी ज़्यादा देशों में हर साल मनाया जाता है। सम वे टू सेलिब्रेटेड अर्थ डे आर गिवन ग्लोज। कुछ कारण है जिनके कारण अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम देन, यू मे यूज द हेल्प बॉक्स। आप इनको पिक्चर्स को देखो और पहचानो कि ये किस कारण से मनाया जाता है। पहला है दिस हेल्प इन मेकिंग द अर्थ ग्रीन। इससे हम धरती को ग्रीन बना सकते हैं, यानी कि क्या है, प्लांटिंग ट्री, पेड़ों को लगा करके हम धरती को हरा भरा बना सकते हैं। सेकेंड है साइकिलिंग। दिस वे सेव द अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन। इससे हम हमारे धरती को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्यूल यूज नहीं होता है। इसका यूजिंग है बाइसिकल टू मूव, यूजिंग है बाइसिकल, साइकिल चलाना। थर्ड है इट हेल्प्स टू डिक्रीज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट को, जो चीज़ें गलती नहीं है उनके यूज को कम करने में मदद करता है। इसका है यूजिंग, अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक। अगला है इट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम बाइंग न्यू थिंग्स। ये अगर हम डोनेशन लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम दूसरों को दान दे रहे हैं तो वो इससे इट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम बाइंग न्यू थिंग्स, जिससे दूसरे लोगों को नई चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी और जो चीज़ें हमारे काम में नहीं आ रही है वो उनको हम दे सकते हैं। इसका है गिविंग ऑल थिंग्स। ये कौन सी गुड हैबिट है, गिविंग ऑल थिंग्स टू द नीडी, जिसको ज़रूरत है उसको दे दो। अगला है मोर टाइम यू स्पेंड हेयर मोर यू वांट टू सेव इट। आप यहाँ पर ज़्यादा समय तक रह सकते हैं, मोर यू वांट टू सेव इट, और आपको इसको ज़्यादा ही बचाना पड़ेगा। ये है आपका स्पेंडिंग टाइम इन द लैप ऑफ नेचर। जितना हम प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रकृति को उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। स्पेंडिंग टाइम इन द लैप मतलब गोद, प्रकृति की गोद में रहना। अगला है सिक्स, स्विच को बंद करना। तो दिस हेल्प इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाने में मदद करता है, यानी कि स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड। स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड, जब जरूरत नहीं हो तो लाइट क्या कर देनी चाहिए, बंद। इससे हम हमारी धरती को सुरक्षित रख सकते हैं।